हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीएमसी के पास जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मार्केट है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया था। और आज के वीडियो में मैं वेलोर के और एक मार्केट के बारे में बताऊंगी जो कि मेन मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारा मेन मार्केट। जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया था उसके अगले ही दिन गणेश चतुर्थी था, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था। आपको इस मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो या फिर दुकान का कोई भी सामान हो, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मैं भी उस मार्केट में गई थी गणेश चतुर्थी के लिए पूजा का सामान लेने। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे जितने भी सामान चाहिए थे सारे अवेलेबल थे। अगर आप ध्यान से देखो वीडियो को तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इस मार्केट में आपको क्या क्या मिल जाएगा। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मुझे इतने सुंदर सुंदर गणपति के मूर्ति मिल जाएंगे, जिनमें से मैंने एक चूज करके लिया था। अभी जो मार्केट मैं आपको दिखाऊंगी उसका नाम है नेताजी मार्केट। इस मार्केट में फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी का जितना भी सामान है आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। मैं जिस गेट से अंदर गई थी उस गेट के शुरुआत से ही फूलों का दुकान था। मुझे पता नहीं, ऐसा पर्सनली लगता है कि कोलकाता के मुकाबले वेलोर का फ्लावर जो मार्केट है या फिर वेलोर का जो फ्लावर का रेट है थोड़ा हाई है। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे आपको पूजा सामग्री मिल जाएगा। दुकान में आपको क्या नहीं मिलेगा, हल्दी, चंदन, कपूर, तेल, प्रसाद की पत्तल, सब कुछ मिल जाएगा। मैं इस मार्केट में गणेश चतुर्थी का शॉपिंग करने गई थी, इस वजह से मैंने सारा वीडियो पूजा के सेक्शन का ही किया है। इसके अलावा भी यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रोसरी का भी सेक्शन अलग अलग है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर ऐसा ही वीडियो और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।